कितनी गोली डाली है? तीन। तीन ठीक है। ठीक है। कैसे मेरे दोस्तों, मैं सुमित तनेजा एक नई शाम के साथ, एक नई वीडियो के साथ। कैसे हैं आप? आज अभी हो गए हैं, शाम के 4:30 बज गए हैं। मैं अपने ऑफिस में ही बैठा हूँ। एक्चुअली मेरे जो टाइमिंग्स हैं ऑफिस के, वो ये जो कुर्सी है ये कनिका की कुर्सी है। वैसे ये कनिका की कुर्सी है, लेकिन इस कुर्सी को मैं मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि कनिका तो रोज़ आ नहीं सकती, मेरी वाइफ रोज़ नहीं आ सकती, क्योंकि घर गृहस्थी भी देखनी होती है। तो ये मैं मीटिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर मैं मीटिंग करता हूँ, कोई सामने बैठ के मतलब इंटरेक्ट करता हूँ कस्टमर से। हालांकि कस्टमर का मेरा काम नहीं है, बट फिर भी सप्लायर्स होते हैं। ये मेरी कुर्सी है, यहाँ बैठ के मैं काम करता हूँ, और जब कोई मीटिंग करनी होती है तो मैं उस तरफ यहाँ कनिका की कुर्सी में आ जाता हूँ। ये बैग, ये सब मेरे डेली रोज़ की सामान की फाइल्स हैं। तो थोड़ा सा मैंने कहा आपको, एक दिन मैं ऑफिस का पूरा एक वो बनाऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा ऑफिस को लेके। तो मैं ये कह रहा था कि आज एक्चुअली मेरे को ना, बड़ी सच बोल रहा हूँ, बुरा लगता है कि जब मैं वीडियो, वैसे किसी का फ़ोन नहीं आएगा, वैसे फ़ोन आना ही नहीं है, लेकिन जब आप वीडियो बनाते हो, कुछ दिखा रहे हो, तो फिर टना टना टना, अरे यार दिमाग ख़राब हो जाता है। एनीवेज, मैं ना एक्चुअली क्या है कि आज गौरव की मम्मी और गौरव का छोटा भाई घर पे आ रहे हैं, बस चाय पे आ रहे हैं। एक्चुअली उनको, उनका नोएडा में कुछ फ्लैट्स हैं, दो फ्लैट हैं उनके नोएडा में, तो वहाँ पर उन्होंने ख़रीदा है, मतलब आई मीन पुराना है, लेकिन उनको देख रेख करने के लिए उन्होंने वहाँ पर कोई माली या कुछ ऐसा रखा नहीं है। तो आंटी को और संभव गौरव का छोटा भाई, मैं सबसे बड़ा भाई दोनों का, तो संभव को और आंटी को ना महीने में एक दो बार चक्कर लगाना पड़ता है देखने के लिए, क्योंकि माहौल बड़ा ख़राब है नोएडा का, कब जाना हो जाए। हम लोग भी जाते रहते हैं, लेकिन अब आपको पता ना, बड़े बुजुर्गों को क्या होता है, जब तक हमारी सेटिस्फेक्शन ना हो। तो अभी परसों ही मैं और गौरव देख कर आए हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब आंटी कह रही नहीं, मेरे को अपनी आंखों से दोबारा एक बार दिखा के लाओ। मैं कहा आ जाओ फिर। तो अब वो आ रहे हैं, एक घंटे में मैं घर पहुंचूंगा और मैं आपको उन सबसे मिलवाऊंगा। सॉरी, मैं चाय पी रहा हूँ तो सुरूर आवाज़ आ रही है, सुड़क सुड़क की। किसी का मन कर गया तो चाय बना लो घर पे अपने। मैं आपको दिखा रहा था कि मैं थोड़ा सा अपना आपसे अपना शौक शेयर करता हूँ। बाय द वे, मैं पहले अपने थोड़ा ड्रेसिंग सेंस के बारे में बता देता हूँ। मैं जब भी ऑफिस आवर्स के अंदर होता हूँ, मैं टाई में होता हूँ, और मेरी प्रॉपर यूनिफॉर्म, आई मीन नॉट यूनिफॉर्म, मेरा स्टाफ यूनिफॉर्म में होता है। मैं आई कार्ड के साथ, बैज के साथ, टैग के साथ सब कुछ होता हूँ, पर आज मैंने इतना कुछ जामताम नहीं लगा रखा, थोड़ा सा लेजी फील कर रहा था, तो इसलिए आपको सोच रहे हो कि मैं टाई में क्यों बैठा हूँ। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं जब भी ऑफिस में होता हूँ मैं टाई में ही होता हूँ। मैं आपको दिखा रहा था कि मेरे जो कुछ शौक आपसे मैं शेयर करता हूँ। मेरा जो शौक है, मुझे लाइटर्स का बड़ा शौक है, लाइटर्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। लाइटर्स भी कौन से, नॉट वो वाले कि जो यहाँ मिलते हैं मार्केट में इंडिया में, नहीं उस टाइप के नहीं। यहाँ पर आपको मिलेंगे जिप्पो लाइटर्स, मुझे जिप्पो लाइटर्स पसंद नहीं है, जो फ्यूल लाइटर्स, केरोसिन लाइटर्स होते हैं। तो मैं भी यूज़ करता हूँ, पर मैं चाइनीज़ ब्रांड यूज़ करता हूँ, ज़ोरो, नॉट जिप्पो। वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जिप्पो के जो उसके प्राइस हैं, जो पैसे हैं, वो उसी के क्लोज है, उससे ज़्यादा ही है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिप्पो से कहीं ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी के हैं। ज़ोरो, ZORRO, बहुत फाइन लाइटर्स, एक्सपेंसिव लाइटर होते हैं, बहुत फाइन लाइटर्स। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं अभी आप थोड़ी सी आपको कलेक्शन दिखाऊंगा अपनी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, जो मैं ऑफिस में रखता हूँ।
मेरी स्मोकिंग ट्रे है, ये है एक लाइटर जोरो, इसमें भी वो नहीं आ रहा है, आई मीन जो क्या कहते हैं फोकस नहीं चल रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ फिर भी आपको, एनीवेज वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एक जिप्पो लाइटर है, ये बहुत ही एक खूबसूरत लाइटर है, इसको यहाँ से उतारते हैं और यहाँ पर इसके फ्यूल डालते हैं इसको ऊपर करके। तो मुझे मुझे ना बहुत ज़्यादा मुझे मुझे जिप्पो लाइटर्स मुझे बहुत पसंद है, यूँ कहें कि वो मेरी कमज़ोरी है। तो आई लव जिप्पो लाइटर। एक्चुअली मैं जब स्मोक करता हूँ, हालांकि मेरे बच्चे बहुत मना करते हैं मुझे स्मोक करने के लिए, मैं स्मोक पहले बहुत ज़्यादा करता था, अब तो खैर बच्चों ने स्मोकिंग मेरी काफ़ी कम करा दी है। और मैं दिखाता हूँ एक, ये मुझे लाइटर बड़ा पसंद है, ये ब्लू कलर के अंदर है, आइस आइस ब्लू के अंदर कलर ये लाइटर है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद आप दिख जाए, एक्चुअली देखो अब दिखेगा आपको, ध्यान से देखोगे ना, देखो ये जोरो, तो ये बहुत ही फाइन लाइटर्स आते हैं इसके मार्केट में। एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा ना वो हो जाऊं, तो इसके काफ़ी फाइन लाइटर्स आते हैं मैं बता रहा था। तो एक तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा इसकी जो मेरी को पसंद है, जो जिप्पो लाइटर्स है ना उनका फ्यूल वो बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बट ये ऐसा नहीं है, आई मीन बहुत जल्दी ख़त्म मेरा कहने का मतलब है, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, आई एम सॉरी, जिप्पो लाइटर का फ्यूल ज़्यादा चलता है और जोरो का जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जो इसमें फ्यूल डलता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और इसी में आइस ब्लू के अंदर मेरे पास एक आइस पिंक भी है, वो ये है, ये भी बहुत सुंदर लाइटर है। तो मुझे रियली जिप्पो के लाइटर्स बहुत पसंद हैं, और ये जो मैं मंगाता हूँ ये लाइटर्स आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे, जिप्पो आपको इंडिया में मिल जाएंगे बट जोरो आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे डीएच गेट, अली एक्सप्रेस, हाँ और एक थी विश, वो बंद हो गई, अली एक्सप्रेस से हम ऑर्डर कर सकते हो, अली एक्सप्रेस तो बंद हो गई, अली बाबा उसकी जगह अली बाबा आ गई, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि अगर आपको एक सिंगल लाइटर ऑर्डर करना है वो आपको सिंगल नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो डबल रेट में मिलेगा। तो ये जो लाइटर है मैं अब पहले आपको दिखा देता हूँ, तो अली बाबा से मैं ऑर्डर करता हूँ, या फिर मैं कभी जब इंटरनेशनल टूर जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो वो मुझे बहुत सस्ता पड़ता है, मैं वहीं से इकट्ठे, लाइटर्स की जो कस्टम्स में जो वो है 4 to 5 लाइटर्स, लेकिन मैं मैनेज कर लेता हूँ, मैं 6-7 लाइटर उठा लेता हूँ, और मैं ग्रीन चैनल से नहीं निकलता, मैं रेड चैनल से निकलता हूँ, मैं कस्टम डिक्लेयर करता हूँ कि मैं ये लाया हूँ, देख लो कोई टैक्स टूक्स है तो लगा दो, बिकॉज मैं ऐसे ही विश्वास रखता हूँ इन सब चीज़ों में। एक ये लाइटर है सुपर सॉलिड जिप्पो जोरो लाइटर, ये भी बहुत ही खूबसूरत लाइटर है, इसका ये सॉलिड बहुत है, बहुत मोटा लाइटर है, ये मेरा सबसे फेवरेट लाइटर है। मैं जब बाहर जाता हूँ तो मोस्टली ये मेरे पास 5 हैं, एक घर पे है, बाकी 4 एक यहाँ ऑफिस में है, बाकी 4 घर पे हैं, तो इसमें अलग अलग मेरे पास वो हैं, कलर्स हैं, ये काफ़ी ब्रॉड लाइटर है, और ये एक्चुअली हैवी, ये सारे बहुत हैवी हैं, ये मतलब एक जर्नल आप इसको कैरी नहीं कर सकते पॉकेट में डाल के, ये इट्स वेरी हैवी। एक ये ड्रैगन जोरो है मेरे पास,
जो जोरो है, जोरो जोरो के जो लाइटर्स हैं उनकी रियली बात ही एक अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको सबसे अलग कर देता है कि जब आप कहीं पर इस लाइटर को आप तो अगर आप डेली के स्मोकर हो, मैं यही लाइटर सारे यूज करता हूं, लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पब्लिकली इसको निकालते हो तो वो इंप्रेशन तो पड़ता ही है, आपको सबसे अलग कर देगा वो। बट मैं जब अकेले में भी स्मोक करता हूं और जब मैं इन लाइटर्स को जैसी मैं स्टार्ट करता हूं अपनी एक्टिविटी करने के लिए, तो एक मुझे इतना इतना अच्छा फील आता है, एक एक प्रेजिडेंटल, मतलब एक बहुत एक्सक्लूसिव मेरे को, मेरे अंदर से एक फील आता है कि यू आर समथिंग, ओ मैन यू आर समथिंग, यू नो। ये आपको जैसे ऐड आती थी ना, रेमंड्स सबसे अलग करे आपको, है ना, उससे वही फीलिंग आती है। तो ये मेरे लाइटर्स हैं, ये दिखा दूं मैं आपको, ये मेरे ऑफिस के अंदर जो भी हैं, अभी पांच ही पड़े हैं, इनको मैं अलग अलग तरीके से यूज़ करता हूँ, कभी क्या मन है तो वो उठा लूँ, कभी क्या मन है तो वो उठा लूँ। और ये जो है ये मेरा स्मोकिंग पाइप है, मैं पाइप के बिना मैं स्मोक नहीं करता, 90% मैं पाइप के साथ ही स्मोक करता हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है। और इसी में मैंने एक पेन रखा हुआ है, ये जिनहाओ का पेन है, ये भी चाइनीज़ पेन है, ये रेड पेन है, कोई करेक्शंस करनी हो, कुछ पेमेंट रोकनी हो, कुछ भी करना हो तो मैं एक दिन पेन, मेरे जो पेन कलेक्शन है मैं उनको भी आपको एक दिन दिखाऊंगा। तो और ये मेरा स्मोकिंग केस है, इसके अंदर मैं अपनी सिगरेट्स रखता हूँ। एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, मैं शौकीन हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ इन सब चीज़ों का, मेरे शौक का कोई मोल नहीं है, मैं सच बोल देता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरे शौक का सच में कोई मोल ही नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई मैंने उसको उठा ही लेनी है। हाँ, साथ में ये भी है, अगर जो चीज़ मेरे को पसंद आ गई उसमें कोई डेंट लग गया, वो ख़राब हो गई, थोड़ा भी मार्क लग गया, थोड़ा भी एक उसमें धब्बा लग गया, मैं इमीडिएटली उसको चेंज कर देता हूँ। ये मेरी एटीट्यूड या ईगो नहीं बोल रहा, ये मेरा स्वभाव बोल रहा है, मेरे व्यवहार में है ये ऐसा। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ऐसा ही हूँ, जो चीज़ में एक बार दाग लग जाए हल्का भी, मैं उसको बदल देता हूँ। नॉट ह्यूमन बीइंग, इंसान नहीं, इंसान के 10 दाग माफ है मेरे लिए, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे दोस्त हैं। तो थोड़ा सा मैंने कहा कि आपसे अपने लाइटर्स शेयर करूं, और कल मैं आपको ये बार बार गिर जाता है फोन, कल दिखाऊं या इवनिंग में दिखा दूं मैं आपको अपने पेन की कलेक्शन, हालांकि ज़्यादा पेन नहीं है लेकिन जो भी है झकास है। कल मैं आपको ये सब, देखो मैंने जो पेन सब लगा रखे हैं, ये बहुत ही अच्छा। हाँ करेक्ट, मैं आपको लाइटर की, कभी आप ऑर्डर करो तो मैं आपको लाइटर की कॉस्ट बता देता हूँ कि कहीं आपको आप ज़्यादा पे ना कर दो। ये जो जोरो लाइटर्स होते हैं, ये 4-5 हज़ार से शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो 4-5 हज़ार वाले हैं ना, वो आपको वो बहुत स्लीक से पतले से होंगे। मैं दिखाता हूँ आप, ये जो मेरे लाइटर्स हैं आप ध्यान से देखो, ये वाला जो लाइटर है ये मैंने लिया था 15,000 रुपये का, और इसकी कहानी ये हुई कि 15,000 का लाइटर लिया और जब दिल्ली में आया, मेरे पास आया, मेरे ऑफिस में आया, तो 600 रुपये इस पर कस्टम ड्यूटी लग गई। ये लाइटर मैंने लिया था 17,000 रुपये का, जोरो, इसका टैग है अनलिमिटेड जस्टिस।
मैं इसकी एक फोटो भी खींच लूँ थंबनेल के लिए। तो ये लाइटर 15,000, सेम 15,000, ये इसी के कॉस्ट का है, ये भी 13,000-14,000 रुपये का है। नहीं सॉरी, ये अलग है, ये 13,000-14,000 रुपये का लाइटर है। एग्जैक्ट मेरे को इनकी कीमत नहीं पता, मैं साथ साथ फोटो भी ले रहा हूँ मेरे थंबनेल के लिए। तो एनीवेज देखिए, ये मेरे शौक है, ये मेरे स्वभाव में है, मेरे व्यवहार में है। तो अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है मेरे को ये सब अपने शौक पूरे करते वक्त, मुझे रियली बहुत अच्छा लगता है। और इंसान को वही करना चाहिए जो उसको अच्छा लगे, जो उसके मन को बहाए। आप अपनी करो, सजेशन ले लो, लो सजेशन, कोई मना नहीं है, लेकिन जो आपके दिल से एक आवाज़ आ रही है, नहीं मुझे, मेरे लिए ये रास्ता सही है, या मेरे को ये कर लेना चाहिए, वो करो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप खुश रहिए, नफरत से दूर रहिए, प्यार बांटिए, आबाद रहिए। मेरे छोटों को आशीर्वाद, बड़ों से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ। आई एम सॉरी, पता नहीं क्या हो जाता, मेरे हाथ से कैमरा गिर जाता है यार, जब भी आपसे एंड करता हूँ कैमरा गिर जाता है मेरा, मोबाइल गिर जाता है। अच्छा, तो मैं कह रहा था, बड़ों से आशीर्वाद मांगता हूँ, छोटों को बहुत सारा प्यार देता हूँ, और अपने साथ वालों को एक जादू की झप्पी। टेक केयर, खुश रहिए, प्यार बांटिए, लव यू।